Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning. आज मैं हूँ आपके साथ अनम काजमी और मैं हूँ सबाशी. आज जनाब फाइनली मंडे है, वापस आ चुके हैं हम. इतवार गुजार के अपनी छुट्टियां गुजार के वीकेंड था बीच में और बहुत सी खबरें जो है वो सारे दौरानी में गर्दिश करती रही. तो एक खबर जो आज सबसे है वो ये कि नवाज शरीफ साहब वापस वतन आ रहे हैं. तो इक्तदार की जंग हो, सियासी मुसालहत हो या फिर बहादुरी से एहतसाब अदालत का सामना हौसला, कोई कुछ भी कहे मगर नून लीग जो है वो उसके कुछ रहनुमा तो ये कहते हैं कि पार्टी नवाज शरीफ के लिए कहीं खींच रही है मगर मुश्किल के इस वक्त में नवाज शरीफ जो है वो पार्टी को बचा सकते हैं. तो इसे अब प्लानिंग कहें या फिर NA 120 की फतह का हौसला, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने सियासी मुखालिफिन को जवाब देने की ठान ली है. और ये कि नवाज शरीफ आज वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, इस खबर ने एक नई बहस छेड़ दी है. इस फैसले से नून लीग को जो है वो कितना फायदा होगा और जनून का स्टांस क्या होगा, जबकि इमरान खान ने तो कबल अज इंतखाबात कराने का पहले ही मुतालबा कर दिया था. तो सियासी दाव पेज बदल रहे हैं और अब सूरत हाल क्या बनेगी, इस सब पर आज के शो में हम बात करेंगे. बिल्कुल, आज न्यूज की ट्रांसमिशन में इस मौजू को जेर बहस बनाया गया और आसमा शिराजी, राना मुबशर, शौकत पराचा, अनवार हाशमी ने दिलचस्प और इंतजिया पेश किया. और इन तमाम लोगों के हिसाब से अब सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है. यहाँ ये भी बात रखना याद बड़ा जरूरी है कि 2018 के इंतखाबात करीब हैं. इस सब पर मजीद बात करेंगे और मजीद न्यूज अपडेट्स के साथ इन्हीं खबरों पर तजियेकारों के साथ आपके सामने मौकफ भी पेश करेंगे. तो शो में आगे चलकर मजीद बहुत कुछ है, लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर. स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबार की शख्सियत पर. जी जनाब तो आज के अखबार की जो छह सुर्खियां हैं वो डेफिनेटली क्या हो सकती हैं, उसकी पहली लीड जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से है कि नवाज शरीफ डार वतन वापस, नए अदालतों में पेश होंगे. ये किस किस्म का एहतसाब है, फैसला देने वाले और अपील सुनने वाले जज ही मुकदमे की निगरानी करेंगे. तो हमने देखा कि जैसे ही खबर र्यूमर आउट हुई और जैसे ही पता लगा नून लीग की जानिब से, उनकी क़यादत की जानिब से, आला क़यादत की जानिब से कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं और 26 सितंबर को फिर वो एहतसाब अदालत में भी, तो इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उनकी सियासत के हवाले से उनके बारे में जितनी भी बातें हो रही थी, जितनी भी चेमागोयां हो रही थी, चूंके चुनाचे, अगर मगर, ऐसा हुआ तो क्या, तो तमाम अपने सियासी मुखालिफिन को उन्होंने बिल्कुल जवाब देने की ठान ली है और उन्होंने सोच लिया है कि अब वो वापस आएंगे और एहतसाब अदालत में पेश होंगे. तहम उनकी फैमिली जो है वो लंदन में ही रहेगी. अच्छा, ये जो इनके वापस आने का फैसला है ये किन बुनियादों पर किया गया है, क्या कि उनका ये मकसद है कि वो इस वक्त अपनी पार्टी को संभाल सकते हैं, क्योंकि नून लीग के बहुत सारे रहनुमा ये बात भी कह रहे हैं कि नून लीग के रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को या नून लीग को नहीं बचा सकते, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपनी पार्टी को जरूर बचा सकते हैं और अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सकते हैं. ये फैसला किन बुनियादों पर किया गया, कुलसुम नवाज की बात, इनकी तीसरी सर्जरी हुई और उसके बाद फिर बायोप्सी की रिपोर्ट आई और वो बायोप्सी की रिपोर्ट काफी बेहतर थी, तो फिर ये फैसला किया गया, या फिर ये फैसला वाकई सियासत के लिए किया गया, या फिर डर है आने वाले उन 2018 के इलेक्शंस का जो सर पर खड़े हैं. तो इस तरह की तमाम खबरें आज गर्दिश करती रहीं, कल गर्दिश करती रहीं और ओवरऑल अखबारात में भी इन्हीं खबरों के हवाले से मेन लीड लगाई गई है. बिल्कुल जनाब, एक्सप्रेस की अगर अहम और मेन लीड की बात करें तो वो कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उनके आने से वतन वापस तमाम तर जो कयास राइयां हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब भाग रहे हैं, एहतसाब अदालत में पेश नहीं होना चाहते, ये फैमिली भाग चुकी है, वो तमाम तर मेरा ख्याल है कि अब तो के नवाज शरीफ ने बिलाखिर वापसी का फैसला कर लिया. और जब वो वहाँ पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की तो उस टाइम पर भी नवाज शरीफ का बड़ा ही जो मौकफ था वो बड़ा क्लियर था और उन्होंने काफ़ी वाज़े अल्फाज में बोला कि भी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं लंदन जाऊँगा, मेरा लंदन में रहने का कोई प्लान नहीं था, मैंने अपने वतन वापस जाना ही था. तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त था ये जो हम देख रहे हैं स्टेप नवाज शरीफ की जानिब से उठाया गया है और वो वापस वतन वापस आ रहे हैं. तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कल उन्होंने अदालत में भी पेश होना है. इस हवाले से उनकी जो बेटी है मरियम नवाज, उनके ट्वीट्स जो आते रहते हैं उन्हीं के हवाले से, तो उसमें भी एक अहम बयान जो सामने आ रहा था वो यही था कि नवाज शरीफ ऑलरेडी जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है और यह एहतसाब किस तरह से हो रहा है, लेकिन
के बाद वो वतन वापस आ रहे हैं तो उनकी बहादुरी का सबूत जो है वो यहीं से मिल जाता है। तो ये तमाम सिचुएशन जो है हमारे सामने है, लेकिन अब वापस क्यों आ रहे हैं, क्या उनके जहन में एम है, वाकई में एहतसाब अदालत में पेश होंगे या फिर आगे इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने पार्टी को स्ट्रांग करना है, ये तमाम तर चीजें जो है बनने हैं और वक्त के साथ साथ क्लियर भी हो जाएंगी। तो ये खबर जो है वो एक्सप्रेस ने आज अपनी मेन हेडलाइन बनाई है। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पर जो लीड है वो है इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया, तमाम बड़ी जमातों ने मुखालफत भी कर दी है। बिल्कुल, जमातों ने मुखालफत भी की है, जिसपे कमर जमान कारा ने यह भी कहा है कि नहीं, इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए और अब 18 तो सर पर ही है तो फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का क्या फायदा। लेकिन पीटीआई की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जी नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया जा सकता है और चीजें चेंज भी हो सकती हैं, सियासत भी बदल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए कि इमरान खान किया है कि जी वक्त से पहले आप इलेक्शन करा लें, तो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में इस तरह के मुतालबात दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो आके अदालतों को फेस करेंगे और अब वो ये साबित कर देंगे कि जो लोग उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली चली गई और अब वापस नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं नून लीग अंदरूनी तौर पर खल्फिशार का शिकार है। तो मेरे ख्याल में आज इन तमाम बातों है, अब देखना यह है कि एहतसाब अदालत में पेश होने के बाद नून लीग की सियासत किस रुख पर जाती है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो वापस आए, इसकी वजह यह है कि NA 120 की फतह और दूसरी जानिब जो सेनेट में उनके लिए बिल पास किया गया है तो वह पार्टी के सदर के तौर पर भी उभर कर सामने आ सकते हैं। तो इमरान खान साहब की इस खबर को जो है वो जंग ने मेन लीड का हिस्सा बनाया है और इस वक्त जो है हमारे पास आइए अनम अहम खबर हम बताते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में केस की समाअत जो है वो 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सबसे अहम जो एक्टिविटी थी एहतसाब अदालत के बाहर है, जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो है इस वक्त एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए हैं। उनकी जो है 27 सितंबर की को दोबारा जो है वो तलब किया गया है, उनकी जानब से 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जो किए हैं। एहतसाब अदालत के जज ने बरहमी का इजहार किया नैब एहलकारों पर, नैब की जानब नैब प्रोसिक्यूटर पर, उनका ये कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार करके क्यों पेश नहीं किया गया, तो नैब की जानब से ये प्ली ली गई है। उन्होंने कहा कि मुलजिम को काफ़ी जगह तलाश किया, नहीं मिले। आज खुद ये एहतसाब अदालत के सामने पेश हो चुके हैं, जिस पर नैब की जो तमाम 23 के 23 रेफरेंसेस की कापियाँ जो हैं वो इसहाक डार को फराहम कर दी गई हैं और 27 सितंबर को अदालत की जानब से ये अशोर करवाया गया है कि वो फिलफोर 27 सितंबर को जो है बजाते खुद अदालत में पेश हों। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। इसहाक डार के खिलाफ इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में केस की समाअत मुलतवी कर दी है। अच्छा ये बताइएगा, इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी अभी इसहाक डार की आज पहली पेशी थी और इसहाक डार जो है आज पेश हो चुके हैं और 27 सितंबर की डेट है। कल सबक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो इसहाक अदालत के सामने पेश होंगे, क्योंकि रात गए वो लंदन से रवाना हुए थे, आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं मियाँ नवाज शरीफ, उस वक्त पंजाब हाउस में हैं। आज वो अपने वकला और कानूनी मशीरों से, इसके अलावा सियासी रहनुमाओं से, अपनी जमात के मरकजी रहनुमाओं से मशावरत का सिलसिला वो शुरू करेंगे आज दोपहर के बाद। उसके बाद वो आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा, जबकि हमारे ज़राए ने ये कदम किया है कि मुस्लिम लीग नून ने ये हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि वो इन केसेस का, इन रेफरेंसेस का सामना करेंगे। जी ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने हतमी तौर पर ये फैसला कर लिया है कि वो इन केसेस का इन अदालतों में सामना करें। बिल्कुल, आपकी वहाँ पर, आप वहाँ पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से भी वो आज पहुँच चुके हैं, तो ओवरऑल नून लीग के रहनुमाओं बात हुई होगी, उनका क्या कहना है इनकी आमद पर? बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जब हमारी रात के भी बात हुई है, आज सुबह भी बात हुई है, तो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जो हैं वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं, जिनमें वफाकी वज़रा भी हैं, अरकान कौमी असम्बली और सेनेट भी थे, मेयर इस्लामाबाद भी थे, उन्होंने गर्मजोशी से नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। उनका कहना है कि हमें यकीन था कि हम पहले भी कहते थे कि नवाज अपनी अहलिया के इलाज के लिए लंदन रवाना हुए हैं, वो मुल्क से फरार नहीं हुए, वो दोबारा आए हैं और इसलिए आए हैं कि उन्हें पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन है और ये झूठे मुकदमात जो हैं हमारे ऊपर दायर किए गए हैं, हम उन मुकदमात का अपनी पाकिस्तान की अदालतों में दिफा करेंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत आगे बढ़ते
कुछ एक्सप्रेस की मजीद खबरें भी शामिल कर लेते हैं। एक तो केस की जो समाअत है उसके हवाले से आपको अपडेट कर दिया है कि वो 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी हो गई है, लेकिन कुछ और केसेस भी जो इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बताएं कि इमरान खान के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो समाअत होने जा रही है, आज कमीशन में, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी, और दूसरी मौलाना जुडिशियल इंक्वायरी पर दरख्वास्तों की समाअत जो है वो आज होने जा रही है। तो ये दोनों अहम खबरें भी जो है वो आज आपके साथ शेयर करना जरूरी थी। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें आपको बताएं कि सबक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुशावरती इजलास, चले मुशावरती इजलास जो है वो तो होगा, उस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी मज़ीद हम और खबरों के ऊपर बात एलओसी के हवाले से हम बात करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड पीस डे मनाया गया और हम भी उसके हवाले से बात कर रहे थे कि दुनिया भर में अमन कायम होना चाहिए। वहीं हम देख रहे थे कि हमारी एलओसी जो है उसके ऊपर किस तरीके से उसको निशाना बनाया जा रहा था, हमारे किस तरीके से जो है वहाँ पर शहादत नसीब हुई। तो ओवरऑल अगर इंडिया के स्टांस की बात की जाए या हमारे बॉर्डर की बात की जाए, तो एक तरफ तो अफगानिस्तान है, दूसरा फिर इंडिया की तरफ से जारहाना किस्म की जो ये फायरिंग की जाती है, खिलाफ वर्जी की जाती है बॉर्डर के ऊपर, इसके ऊपर सख्त स्टांस अपनाने की ज़रूरत है और अब इसके ऊपर सख्त तरीके से बात करने की ज़रूरत है। अभी देखें खैबर पोर के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है और किस तरीके से है वो शहीद हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट अरसलान जो हैं वो शहीद हुए, तो किस तरीके से हमारे बॉर्डर की ओवरऑल सिचुएशन है। गो के अफगानिस्तान के साथ में हमने बॉर्डर मैनेजमेंट भी की है, गो के अफगानिस्तान के साथ में हमने डायलॉग भी किए हैं, भारत के साथ में भी हम इसी बात मसले कि कब तक हम जो है LOC के खिलाफ वर्जी करते रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सबा, और कल जब हम लोग न्यूज़ कर रहे थे तो उस दौरान पे भी ये वाकयात सामने आ रहे थे कि किस तरह से अभी भी भारत की जानिब से, इवन ये खबरें भी जो है वो यहाँ पर मेंशन है, नक्याल सेक्टर में भी हमने देखा कि भारतीय जारहत जो है वो उसी तरह से जारी और सारी है, और इस तरह के वाकयात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं बजाय ये कि कम होने के। अभी हम देख रहे थे कि जनरल असेंबली के इजलास के अंदर भी यही हाल रही है कि हमने मेंशन किया है, कल पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब वलीहा लोधी ने भी जो है वो इस बात को बहुत वाजे किया है कि भारतीय जारहत जो है वो अब भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपनी हर धर्मी से बाज नहीं आ रहा। जिस दिन ये इशू हाईलाइट किया गया जनरल असेंबली में, उस दिन भी हमने देखा कि सीज वाइज की खिलाफ वर्जी की गई और कल फिर किस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान को अपने दोनों बॉर्डर से जो है वो इस वक्त काफी चैलेंजेस का सामना है, जिसके हवाले से हम आगे चलकर अपने शो में बिल्कुल। और अभी जो है यहाँ पर आम खबर से आगाह भी कर देते हैं अपने नाज़रीन को कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुशावरती इजलास शुरू हो गया है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं और मुशावरती इजलास भी शुरू हो गया है और बहुत से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं इस इजलास में, देखा जाएगा और सर जोड़कर बैठा जाएगा कि किस तरीके से इस एहतसाब अदालत का सामना करना है, क्या पॉलिसी बनानी है, हिकमत अमली होगी। नून लीग की उनके तमाम पार्टी रहनुमा इस वक्त बैठेंगे सर जोड़कर और ये मुशावरती इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें फैसला होगा कि नून लीग की सियासत अगले लम्हे किस करवट बदलेगी, क्या उन्होंने जवाबात देने हैं, और अब मजीद जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से जितनी भी बातें हो रही थी उनका कितने दिन यहाँ पर स्टे होगा, वो कितने दिन तक यहाँ पर स्टे करेंगे, मुकदमात के बाद वो फिर वापस लंदन चले जाएंगे या फिर वो मुकदमात का फैसला आने तक यहीं पर मौजूद रहेंगे, उनकी फैमिली के हवाले से जो बातें की जा रही थी, हुदैबिया पेपर मिल्स का मामला है, इसहाक डार साहब के मामलात हैं, शहबाज शरीफ का मामला है, जितने भी मामलात हैं आज वो कहा यही जा रहा है नून लीग की जानिब से, जब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वापस आने का फैसला किया है तो यही कहा जा रहा है कि नून लीग के अंदर जो भी तोड़ फोड़ थी, नून लीग के अंदर जितने भी प्रॉब्लम समझ आ रहे थे, अब एकदम से लगता है कि नून लीग जो है वो मुस्तहकम पोजिशन पर आ गई है, डिफाइनिंग मोमेंट पर आ गई है और नून लीग ने फाइनली सोच लिया है कि वो तमाम मुकदमात का सामना करेगी। इसी हवाले खबर से अपडेट कर रहे हैं कि मुशावरती इजलास शुरू हो गया है जिसमें अहम रहनुमा इसकी बैठक लगी हुई है और अहम रहनुमा इस मुशावरती इजलास में है, अहम फैसले मुतवक्के हैं, नून लीग की आला क्यादत जो है इस वक्त यहां पर सर जोड़कर बैठी है और फिर ये फैसला किया जाएगा कि किस तरीके से आगे इस सियासत को लेके चलना है, किस तरीके से आगे सियासत को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल जनाब, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर भी इस वक्त आज स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये उस इजलास की है जो कि आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने जा रहा है, मुशावरती इजलास है, नून लीग की आला क़यादत जो है वो इस इजलास में शरीक है और डेफिनेटली आगे के हवाले से प्लान भी किया जाएगा, कल उन्होंने एहतसाब अदालत में भी पेश होना है तो उस हवाले से भी तमाम तर प्लानिंग जो है वो की जा रही है और आगे इलेक्शन भी आने वाले, इलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन केसेस में नवाज शरीफ साहब घिरे हुए हैं उनके हवाले से कोई एक वे आउट नजर आ जाए। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त नून लीग की मुश्किलात जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, पहले नून लीग के ऊपर पैनामा केस का जो है वो मंडला रहा था, खौफ मंडला रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसके अलावा भी दो तीन केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें मॉडल टाउन के हवाले से भी आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आज
तो अहम समात है वो मॉडल टाउन जुडिशियल इंक्वायरी पर भी जो है वो दरख्वास्तों की समात आज से शुरू हो रही है। तो काफी केसेस है जो इस वक्त नून लीग है, आज उन्होंने वापसी का फैसला भी किया है, लेकिन उनके शिकवे जो है वो अपनी जगह पर है और उनके शिकवों में ये बात बिल्कुल वाजे है। उनका ये कहना है कि जब केस पैनामा के ऊपर किया गया था तो फिर अकामे के ऊपर मुझे हटाया क्यों गया। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपको हम बता रहे हैं, आज मुशावरती इजलास भी होकर उसके बाद जो तमाम तर सूरत हाल है वो सामने भी आ जाएगी। और अब मुख्तलिफ शहरों का हाल जान लेते हैं और रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर मौजूद है नुमाइंदा आशनी उस तारिक खान, उनसे जानेंगे कि आज शहर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां मरकज की जा रही हैं। जी तारिक खान, तफसीलात से आगाह कीजिए, लाहौर में आज क्या हाल अहवाल है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वापस आ गए हैं पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, नवाज शरीफ साहब भी वापस पहुंच गए हैं। इसके बाद सियासी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाजमी बात है, वो भी बढ़ेंगी और इसके साथ साथ दो अहम केसेस हैं उनके हवाले से और जो सानिया मॉडल टाउन है उसके हवाले से, क्योंकि सिंगल बेंच ने उसका जो रिपोर्ट है जो इंक्वायरी हुई थी उसको मंजर आम पर लाने का हुक्म दे दिया था, जिस पे के बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं अकबर सियाल और दीगर पाकिस्तान अवामी तहरीक के, तो उन्होंने इस हवाले से रजू किया था वजारत दाखिला से, होम मिनिस्ट्री से, तो उनको कि उनसे उनको मिल नहीं सकती, अवेलेबल नहीं है कापीज़, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पार्टी बनाया गया है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालती है अहकाम के बावजूद उनको जो रिपोर्ट है वो नहीं दी जा रही, जबकि इसी फैसले के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत जो है वो इंटर हो चुकी है, उन्होंने भी इस फैसले को चैलेंज किया है कि उन्हें कहा है कि जो सिंगल बेंच का फैसला है उनको मौकफ को सही तरीके से सुना नहीं गया, और क्योंकि जो इंक्वायरी है वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लाहौर से और लाहौर में क्या क्या एक्टिविटीज थी ये तो आप आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कफील अहमद हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त शहर इक्तदार में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन इस हवाले से पहले कफील अहमद जो है मौजूद नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे और फिर जानेंगे कफील अहमद से। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। और इस अखबारात में आज कौन कौन से मौजूदा जेरे बहस है पर नजर डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नफीस सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, वेलकम टू द शो। क्या लिख रहे हैं इदारिये, क्या कुछ है आज आपके पास? जी इदारियों से पहले मैं ये छोटा सा एक आर्टिकल है इरशाद भट्टी साहब के जंग में, इसको अनवान ये है कि कानून से भी कानून वो तो बंद कानों से भी जनाना आवाज सुन ले। ये कहते हैं सियासतदानों को देख के याद आ जाता है वो खाविन जो अपनी बेगम के साथ डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या आपकी बेगम का ब्लड ग्रुप आपी का वाला है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि 15 साल से मेरा खून चूस रही है। ये उन्होंने सियासतदानों पे बहुत अच्छा ये आर्टिकल लिखा की बात है। हम आ जाते हैं इदारियों पर। डॉन का एक इदारिया है कि वार ऑफ वर्ड्स एट यूएन इज नॉट द आंसर। ये हमने देखा था जनरल असम्बली में कि सुषमा स्वराज के धुआंधार तकरीब उन्होंने तकरीर की पाकिस्तान के खिलाफ, जो है उन्होंने हर्जा सराई की और पाकिस्तान को कहा कि तमाम दहशतगर्दी हम तो पॉवर्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और आप हमसे लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स और पाकिस्तान दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी उसको भी तनकीद की कि आप हमसे कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि आप लोग ये काम कर रहे हैं, और आप हमें अमन का भाषण ना दें, हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके जवाब में हमने देखा कि मलिहा लोधी ने तकरीर की खिताब किया और उन्होंने ये कहारत को उन्होंने मदर ऑफ ईवल करार दिया, टेररिस्ट करार टेरर करार दिया, लेकिन अदारिया ये कहता है कि पाकिस्तान को भारत जो रिस्पांस जो है वो उसी की ज़बान में देना चाहिए था, और ये काम या तो आपके वजारत खारजा का था या वज़ीर खारजा का था। मलिहा लोधी, देखिए हमने एक और चीज़ देखी कि मलिहा लोधी ने एक गलती की जैसे वो गैफ करार दे रहे हैं, और उन्होंने ये किया कि वो रोया अबू जोमा की तस्वीर जो थी जो कि एक फ़लस्तीनी लड़की थी 2014 में वो तस्वीर खींची गई थी, एक बाकायदा एक वेल नोन अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर ने खींची थी और वो अखबारों में भी छपी थी कि 17 साल लड़की थी जो इसराइली बमबारी से ज़ख्मी हुई थी। उन्होंने वो तस्वीर जो है वो इजलास में अपनी खिताब के दौरान कहा कि भारत इस तरह के पैलेट गन से जो है ना कश्मीरियों को मार रहा है। ये जो थी एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी जिसे भारतीय मीडिया ने खूब खेला। तो इस हवाले से क्योंकि ये मलिहा लोधी की ये गलती जो है इससे क्या हुआ कि आपके मौके
तस्वीर हो गई और भारत को मौका मिल गया कि बजाय वो हम पर अपने दिफा करता उसको अटैक का मौका मिल गया। तो इदारे ये कहते हैं कि इस पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए था, क्योंकि जो स्वराज सुषमा स्वराज है वो वही जबान बोल रही है जो ट्रंप की पॉलिसी के बाद ट्रंप ने अमेरिका ने पाकिस्तान भारत पर हाथ रखा और अब वो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और इस तकरीर से यह भी जाहिर होता है कि भारत का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भारत का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं है, लेकिन अब भारत भी बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट पे है। भारत भी कहता है कि जी अब हम इनसे रखना ही नहीं चाहते पाकिस्तानियों से, हमें तो किस LOC पे भी नहीं रखना, नहीं रखना। जहां तक मलिहा लोधी की बात की जाए तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि वो पाकिस्तान का स्ट्रांग मौकफ पहुंचाएं, लेकिन वो एक छोटी सी जो गलती जो आपने तस्वीर के हवाले से की, नफीस नईम साहब कितना जरूरी है? आपको पता है कि US असेंबली का एक बड़ा इजलास आ रहा है, कितना जरूरी है आपको अपना होमवर्क करना, कितना जरूरी है आपको अपना मौकफ, आप एक इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे मौकफ रखने जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी मौकफ अब तक हम देते आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, चाहे हमारे सिफारतकार हों, चाहे हमारी खारजा पॉलिसी जो अब कहीं जाके बनी है और उसमें कुछ काम होना शुरू हुआ है, कितना जरूरी है इसके ऊपर वर्कआउट करना पहले से? देखिए, हमें बहुत इसलिए ज़रूरी है सभा कि हमारे यहाँ एक देखें, हमें जो हमारी टॉलरेंट की एक पॉलिसी थी ना कि हमने अभी हमने देखा था कि MML ने इंतखाबात लड़े, इदारे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से ये मैसेज जो है एक नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहा है कि आप जो है जो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद मेन स्ट्रीम में आ रही हैं। तो पाकिस्तान के इस मौकफ से, पाकिस्तान का मौकफ इस हरकत से, पाकिस्तान का मौकफ कमज़ोर हो रहा है और दुनिया उसको मानने से इनकारी है। तो पाकिस्तान पर दो फ्रंट में पाकिस्तान को खेलना, एक खारजा पॉलिसी पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम करना है और एक हमारी सिक्योरिटी। आप लोगों ने अभी मैंने सुन रहा था, आपने इसको मेंशन भी किया कि अभी हमने देखा था कि भारत की तरफ से गुजशत रोज भी हमने देखा कि राजगाल में हमारे लेफ्टिनेंट शहीद हुए और उसी दौरान जो है हमारे मशरकी बॉर्डर पर भी फायरिंग हुई है, LOC पर फायरिंग हुई है, वर्किंग बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है। तो हमें दो महाज मगरिब में हमें परेशानी है, हमें मशरिक में परेशानी है, आपको अपनी सरहदों की भी हिफाजत करनी है और खारजी सतह पर भी आपको सिफारती सतह पर भी लड़ना है। अभी मैं जैसे थोड़ी देर पहले भी ये बात कर रही थी कि जिस दौरान ये सब कुछ हुआ है, LOC की खिलाफ वर्जी हुई है, था कि जब जनरल असेंबली में खिताब भी हो रहा था, कल भी हमने देखा कि मलिहा लोधी की जानिब से जो जबरदस्त पाकिस्तान के लिए एक जवाब जो है उन्होंने दिया, जवाब दिया उन्होंने सुषमा स्वराज को, तब भी हम देख रहे थे कि इस तरह की हरकतें भारत की जानिब से हो रही हैं। और चाहे जितना मर्जी आप इन इशू को अक्वामे मुत्तहिदा में हाईलाइट कर लें, भारत जो है वो अपनी चीजों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे मोमेंट में भी भारत का ये जारहियत को जारी रखना क्या मैसेज देता है? भारत क्या मैसेज देना चाह रहा है दुनिया को? देखिए, भारत हमने, ये आपकी बात सही है, हमें जो 21 तारीख को जब दुनिया जो है बैनुल अक़वामी तौर पर अमन का दिन मना रही थी, भारत 6 से 7 अफराद को शहीद किया, तो भारत जो है, क्योंकि भारत पर को शे मिली हुई है अमेरिका की, अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान में भी एक जागीरदार बना दिया है, तो भारत अपनी जंग लड़ रहा है। भारत का मौकफ तो यह है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से सरहदी तौर पर भी माशी तौर पर भी कमजोर कर दिया जाए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को किस तरह हमारा अपना दिफा करते हैं, लेकिन इदारे ये कहते हैं कि आप अगर जो ये जो जंग लड़ रहे हैं अल्फाज की जंग है, ये आपकी जो वो सेंटीमेंट, नेशनल सेंटीमेंट है उसको तो ठीक है, वो आपको प्लीज कर देंगी, लेकिन आपकी जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसको डैमेज कर देंगे, आपको प्रैक्टिकली करना है। अच्छा, अगला इदारिया क्या? अगला इदारिया फाटा रिफॉर्म से तकरीबन तमाम अखबारों ने यह लाया, डॉन के भी यही है, एक्सप्रेस का भी है, फाटा में इस्लाहात का निजाम। अभी हमने देखा कि 1961 का जो पुलिस एक्ट है वो फाटा में नाफिज कर दिया गया है और बहुत अरसे से 2015 में मार्च में सुन रहे थे कि इस्लाहात बिल ला रहे हैं और अब जो है वो पुलिस का निजाम जो है वो फाटक तक कर दिया गया है। बाकायदा अदालती निजाम में भी कुछ तब्दील लाई, सुबह में जो निज़ाम है वो फाटा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ का जो जो कानून ऑफिस में सरबराह था लेविस का, उसी जगह अब IG ने ले ली है, तहसीलदार के हवाले से भी इस तरह DCO के भी उन्होंने संभाल ली, पॉलिटिकल एजेंट की रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन इदारे ये कह रहे हैं कि अभी भी सूरत हाल मुबहिम है, क्योंकि कई जगह पर आया है कि पुलिस का जो निज़ाम है, आपने तो पिकेट्स ही नहीं है वहाँ, पुलिस स्टेशन ही नहीं है वहाँ पर, आप किस तरीके से एकदम इंप्लीमेंट कर देंगे और ये तो डिजास्टर होगा, उस तरह कानून पर अमल दरामद होगा, किस तरह होगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है कि इसके इबहाम को दूर किया जाए अगर इस्लाहात पर यकीन। एक फिर दूसरा फंड के हवाले से भी बड़ी बात की गई है कि आपने अभी 100 मिलियन का पैकेज किया था, 75 मिलियन, अभी आज डॉन का भी इदारती नोट है कि 114 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने फाटा के लिए वो कर दिया गया, डिस्प्लेस पीपल के लिए 3,20,000 अफराद की वापसी है उनकी, उनको करना है। लेकिन साथ में एक चीज़ जो तमाम अखबारों ने एक जिस पर इतफाक़ किया वो ये है कि जो फंड की एलोकेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर जो है मसला है,
किस तरह उन तक पैसे पहुंचाए जाएं। डिस्ट्रीब्यूशन का फाटा में सबसे ज्यादा मसला है, जबकि फाटा में देखा जाए तो अमन भी आ गया है और साथ साथ रिफॉर्म्स भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया नफीस साहब हमारे साथ तजिए के लिए हमारे साथ में मौजूद थे। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी सरहदों पर भारत और दहशतगर्दों की फायरिंग का सामना है। एक तरफ से अफगानिस्तान तो दूसरी तरफ से भारत मुसलसल बॉर्डर पर इश्तियाल अंगेजी फैला रहा है। एक रोज कबल हफ्ते वाले दिन ही सरहद पर अफगान इलाके से दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला करके पाक फौज के लेफ्टिनेंट अरसलान आलम को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फायरिंग से अब तक 6 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी हैं। भारत अपनी इश्तियाल अंगेजियों से बाज नहीं आ रहा था कि अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अंदरून मुल्क दहशतगर्दों का सफाया करने वाली पाक अफवाज से सरहदों पर भी दुश्मनों से लड़ रही है। गुज़िश्ता दिनों मगरबी सरहद पर अफगान इलाके से दहशतगर्दों ने खैबर एजेंसी के इलाके राजगाल में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर गोलियां बरसा दी। दहशतगर्दों के इस हमले में मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के लेफ्टिनेंट अरसलान आलम शहीद हो गए। सा अज़्म, दिल में शहादत का शौक और आंखों में चमक रखने वाले लेफ्टिनेंट अरसलान की सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट देखकर हर आंख अश्कबार, हर दिल उदास था। अरसलान आलम ने आखिरी गुफ्तगु और इंस्टाग्राम पोस्ट और कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी निशाना बना रखा है। शहरियों पर फायरिंग और गोलाबारी जारी रहती है। कंट्रोल लाइन गोलाबारी से अवाम खौफो हिरास में मुब्तला है। पाकिस्तान की मशरकी और शिमाली मगरबी सरहदों की खिलाफ वर्जी हो रही है और ना भारत बाज आ रहा है, और दूसरी जानब अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के भी कुछ छुपे हुए शर पर्सन अनासर जो है वो पाकिस्तान की सूरत हाल को खराब करने की हर वक्त ही कोशिश में लगे रहते हैं। इस सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार रहीमुल्ला यूसुफजई साहब। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारतीय फौज एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अपनी जारहियत पर गुज़िश्ता चंद रोज से हम देख रहे हैं भारत ने मुसलसल LOC की खिलाफ वर्जी शुरू की भी है और अब तक तकरीबन 7 अफराद जो हमारे हैं वो शहीद हो चुके हैं और कई जख्मी अब भी हैं। आप क्या समझते हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा में सब मिलकर बैठे थे और वहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला भी उठाना था, भारत ये सब कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए तो नहीं करता? देखें, एक तो भारत कश्मीर के अंदर भी जारियत कर रहा है, वहाँ भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पे पुरामन जो मुजाहिरीन हैं उनके ऊपर फायरिंग भी होती है और उसमें कई लोग शहीद हुए और ज़ख्मी हुए, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर भी कई अरसे से भारतीय जारहियत जारी है। तकरीबन 600 से ज़्यादा मरतबा उन्होंने बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है, गोलाबारी करते हैं, और यहाँ पे इसका सबूत यह है कि पाकिस्तानी सिविलियन इसमें और पाकिस्तानी फौजी भी शहीद हुए। तो ये जारहियत जो है पाकिस्तान ने उसे दिया है, और चूंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कश्मीर का मसला UN की जनरल असम्बली में उठाया है और काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया और दलाइल भी दिए हैं, तो भारत चाह रहा है कि एक तो उसका जवाब दे, ये जाहिर करे कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है तो वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये भारत का है, ये उसकी दलील है, और भारत ये भी दावा करता है कि उनके यहाँ भी लोग बेघर हुए हैं और गोलाबारी से मुतासिर हुए हैं और मारे गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये भारत का एक तरीका है कि वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करे और अपने आप को इन इल्ज़ाम से बरी करे जो उसके ऊपर लगने चाहिए। जी बिल्कुल, क्या आप भारत का एक तरीका है वो प्रेशर बिल्ड करना चाहता है पाकिस्तान पर। अच्छा, बॉर्डर की बात की जाए तो एक तरफ तो भारत से मुसलसल फायरिंग हो रही है, दूसरी जानब अगर अफगान बॉर्डर की ही बात की जाए तो पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है, जबकि हाल ही में देखा जाए तो अफगान सदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सफाया करे, लेकिन अजीब सी बात यह है कि इनके दहशतगर्दों ने हमारे कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखें, मेरे ख्याल में ये एक स्ट्रेटजी लगती है भारत की और अफगानिस्तान की कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के ऊपर, वहाँ पर भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले और अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान के खिलाफ दबाव डाले। और देखें, ये एक साथ हो रहा है तो ये शक होगा कि क्या ये दोनों मिलकर ऐसा कर रहे हैं। फिर बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका सही जवाब दिया है, जब पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है और अफगान तालिबान या हक्कानी नेटवर्क के लोग अफगानिस्तान जाकर हमले करते हैं, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि दरअंदाजी हो रही है लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है, वहाँ पर पाकिस्तान के मुखालिफिन बैठे हुए हैं, उनको पनाह मिली है और वो बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पहली बार इस तरह दो टोक बात की है और ये बात पहले करनी चाहिए थी और करनी चाहिए। अभी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की जो बात है, तो अशरफ गनी ने पाकिस्तान को दावत दी है कि मुज़ाकरात करते हैं जी, लेकिन अगर ऐसे वाक़यात बॉर्डर के ऊपर होंगे तो फिर ये मुज़ाकरात इस माहौल में शुरू नहीं हो सकते। मेरे ख्याल बेहतर बनाना चाहिए, बॉर्डर को महफूज बनाना चाहिए सही, और फिर बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हैं, तरफ हम देखते हैं कि ये इल्जाम तराशी जो अफगानिस्तान की जानिब से लगाई जाती है, ये आए रोज ही लगती रहती है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी से पहले अफगानिस्तान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि वहाँ कितनी दहशतगर्द है और वो पाकिस्तान आकर किस तरह से दहशतगर्दी करते हैं? देखें, यही तो असल मसला है कि चाहे वो अमेरिका के सदर ट्रंप हैं, चाहे अफगान हुकूमत है, चाहे भारत है, सारे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान में सूरत है उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हैं, हालांकि वहाँ पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है बल्कि वहाँ पर अमरीका और नेटो की फ़ौज है। बिल्कुल, वहाँ पर 4.5 लाख अफगानिस्तान की अपनी फ़ौज है, तो ये तो उनका काम है कि वो हमने अमन कायम करें और अपने मुखालिफीन को शिकस्त दें या फिर ऐसे हालात पैदा करें कि उनके मुखालिफीन जो हैं, जो मुसल्ला मुखालिफीन हैं, उनसे बातचीत हो सके। और ये इसके शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान को, TTP को, जमातुल अहरार को, इन सब को अफगानिस्तान में पनाह मिली है और दाइश के भी अफगानिस्तान में ठिकाने हैं, अलकायदा के लोग भी हैं, तो ये सारे अफगानिस्तान में मौजूद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, एक ब्रेक लेंगे और एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर पूछेंगे कि वज़ीर आज़म शाहिद ख़ान अब्बासी ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जो मसला उठाया उस पर आलमी बरादरी किस तरह रिएक्ट करती है। तो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप टच। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज बात हो रही थी पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से, जिसके लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, वो अपना तजिया पेश कर रहे थे। सर, आपसे यही पूछेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद ख़ान अब्बासी ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इंतहाई स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अख्तियार किया है और अपनी आवाज़ को पहुँचाने का तरीका भी इस्तेमाल किया है, आलमी बरादरी को किस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े मौसर तरीके से अपनी बात की है और सारे मसलों का इहाता किया है और ये शायद पहली दफ़ा है कि इस तरह दो टोक पाकिस्तान की तरफ से बात की गई है। तो एक तो ये है कि अगर आप खुलकर अपनी बात करें, अपने मौक़िफ़ का इजहार करें, तो दुनिया उसको सुनेगी। अगर उसको वो न भी माने तो वो उसको सुनेगी, आपकी बात को सुना जाएगा, उसके ऊपर गौर होगा। मेरे ख्याल में इसमें वक्त लगेगा कि पाकिस्तान की बात को माना जाए, इसमें मज़ीद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में जो राय कायम हो गई है अमेरिका में और अफगानिस्तान में और भारत में और बाकी मुल्कों में, तो उसको तब्दील करना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान को बार बार शवाहिद के साथ अपनी बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं कि भारत भी पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। तो मेरे ख्याल में इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
अच्छा रहीमुल्ला यूसुफ से बताएगा कि अफगानिस्तान और भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर इस वक्त पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, इस सब पर आप क्या समझते हैं, हुकूमत की जानिब से क्या रद्दमन होना चाहिए? देखिए भारत के हवाले से तो हमारा मौकफ बड़ा वाज़े है और हम तो जो भी वो जारहियत करते हैं उसकी मजम्मत करते हैं, जवाबी कार्रवाई भी करते हैं जी। तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अलबत्ता अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का रवैया ज़रा नरम रहा है, पहले भी नरम था, मेरे ख्याल में आइंदा भी मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएँ। पाकिस्तान की ये भी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान मजीद भारत के करीब न चला जाए, तो अफगानिस्तान की शिकायत को सुनना चाहिए और पाकिस्तान की शिकायत को भी काबुल में सुनना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से शिकायत को सुनना चाहिए और फिर कोई नतीजा निकालना चाहिए। रहीम ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब और दुनिया भर से कुछ मजीद खबरें भी शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शाम के शहर अदलिब की, जहाँ पर रूसी बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत 35 अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जंगजदा इलाके पर रूसी बमबारी के बाद धुएं के बादल छा चुके हैं, जबकि इमदादी तंजीम की तरफ से इंटरनेट पर जारी करदा वीडियो में जख्मियों को मलबे से निकालते हुए भी देखा जा सकता है। इंसानी हकूक ग्रुप के मुताबिक बमबारी से खवातीन और बच्चे भी जान बहक हुए हैं, दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे। और अब कुछ बात अदाकारा माहिरा खान की, जो भारतीय अदाकार रणबीर कपूर के साथ तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया है। एक तरफ एक तबका माहिरा खान को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है तो दूसरी तरफ शोबे सितारे सियासी और समाजी शख्सियात माहिरा खान को सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय अदाकार रणबीर कपूर ने तस्वीर पर होने वाली तनकीद का दिफा किया। रणबीर कपूर ने कहा कि अपने बयान में कहता हूँ कि वो माहिरा खान की इज्जत करते हैं, मतदाताओं से दरख्वास्त है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा बंद कर दें। और इसी हवाले से जो है हमारे जो समाजी कारकुन है फौजिया साहिबा, उन्होंने भी यही कहा है कि उनका पर्सनल मामला है, इस मामले को इतना ज्यादा तूल ना दिया जाए, इट्स जस्ट अ पिक्चर। जनाब हमारे पास स्टोरीज थी जिसके अंदर माहिरा खान वाली स्टोरी के ऊपर तो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं लोगों ने फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो बहुत ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया है और कुछ लोग तो उनके एड्स के हवाले से भी उल्टी सीधी बात करना शुरू हो गए। अच्छा अनम, ये उनका पर्सनल मामला है, मेरे ख्याल में इट्स जस्ट अ पिक्चर, और आपके फ्रेंड्स हो, आपका जो भी फन टाइम हो, मेरे ख्याल में इस पे किसी को एतराज कोई नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तानी जो है वो एक बड़ी बहादुर कौम भी हैं और बहुत ज्यादा अच्छे कौम भी अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो अगर अच्छा काम करें तो उनको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब पाक रोजा मुश्तरका फौजी मशकें रूस में शुरू हो गई हैं और जो मुख्तलिफ किस्म की ये मशकें हैं ये दो हफ्ते तक जारी भी रहेंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे इनफैक्ट इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत पराशर साहब लाइन पर मौजूद हैं। जी शौकत पराशर साहब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मैकेनिज्म है जिसके तहत दोनों ममालिक हर साल मिलिट्री एक्सरसाइज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, मुश्तरका फौजी मशकें की जाती हैं। पिछले साल 2016 फ्रेंडशिप 2016 फौजी मशकें चिराग पाकिस्तान में हुई थी और अब ये दरोगबा नामी मशकें रूस में हो रही हैं। पाकिस्तान फौज का एक दस्ता वहाँ पहुँचा हुआ है। बुनियादी तौर पर ये काउंटर टेररिज्म के हवाले से ही मशकें होती हैं और इस साल भी मशकें दहशतगर्दी और यरगमाल बनाया जाए तो उनकी रिहाई के हवाले से हो रही हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक मैकेनिज्म के तहत ये मशकें होती हैं। अच्छा शौकत पराचा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके काउंटर टेररिज्म के हवाले से ये मशकें हो रही हैं, कितना ज़बरदस्त किस्म का तासुर जाएगा इन हालात में जब एक तरफ से भारत जो है वो सर उठा रहा है और दूसरी तरफ से अफगान बॉर्डर पर भी हमें जो है वो दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को एक नया एवेन्यू मिला है, ना सिर्फ ये रूस के साथ हमारी जंग मशकें हुआ करती हैं बल्कि काउंटर टेररिज्म एक ग्रुप भी बनाया हुआ है दोनों मुल्कों के दरमियान जिसमें एक कंपोनेंट ये है। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर रुकन मुल्क है
और ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि एफपीओ का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को मिला हुआ है। वहाँ पर भी एक मैकेनिज्म है जंगी मजदूर के हवाले से, तो न सिर्फ ये सफारती लिहाज से एक बड़ी अचीवमेंट है रूस के साथ मुश्तरका फौजी मशीन होना, बल्कि पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज के लिए भी एक नया एक्सपोजर है, क्योंकि माजी में हम दूसरी साइड में रहे, जब कोल्ड वॉर थी सोवियत के साथ तो हमारा उस तरह का तलब नहीं था, सोवियत यूनियन का रूस आया तो रूस की टेक्नोलॉजी, रूस की जो फौजी महारत है उसका भी अब हम फायदा उठाते हैं। और इस दौर में जब पाकिस्तान के लिए फैसिलिटीज ज्यादा हैं, उस दौर में रूस जैसी बड़ी ताकत के साथ इस तरह की फौजी मशीन होना बजाते खुद एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी एक कामयाबी है। अच्छा शौकत पराचा साहब, बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी अचीवमेंट है इस तरह की बायलेटरल मशकें होना। ये बताएगा कि कितने दिन तक ये मशकें जारी रहेंगी और आइंदा भी क्या इस तरह की मशकें रूस और पाकिस्तान के दरमियान होती रहेंगी, कुछ इस तरह के स्केड्यूल प्लान है? ये हर साल होंगी और इनको कहते हैं फ्रेंडशिप एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, साल ये पाकिस्तान का एक इलाका है चिराग या नौशहरा के करीब, वहाँ पर हुई थी रूस का फौजी दस्ता यहाँ पर आया था, इस साल पाकिस्तान का फौजी दस्ता वहाँ आ गया है और ये इंशाल्लाह अगले साल फिर उससे अगले साल भी होंगी। ये बायलेटरल है, इसी रूस के साथ हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने ममालिक हैं उनकी फौजों के दरमियान भी बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आप हमारे साथ थे और इन मशकों के हवाले से जो है वो आप हमें आगाह कर रहे थे। डेफिनेटली हमारे दुश्मन पर भी इस तरह की मशकें जब भी होंगी उनसे धाक जरूर बैठेगी। आगे बढ़ते जनाब, और अब आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अहलिया कुसुम नवाज की तीमारदारी के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की और सहाफियों से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उन पर ना तो कमीशन और ना ही करप्शन का किसी किस्म का कोई केस है। फिर पनामा की सजा अकामा पर क्यों हुई, नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम चीजें उनके 1972 के कारोबार के गिर्द घुमाई जा रही। अकवामे मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुंचने वाले वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज शरीफ ने ऐसी बैठक लगाई के होने वाले फैसलों ने जैसे शतरंज की बसात ही तब्दील कर दी हो। नून लीग के जराए के मुताबिक नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास बुलाएंगे जिसमें आइंदा की हिकमत अमली, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, नैब अदालतों में पेशी के हवाले से फैसले और आइनी मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ को ये भी मशवरे दिए गए कि उन्हें एहतसाब अदालत में पेश होकर चलाए जाने वाले मुकदमात का सामना करना चाहिए, साथ ही शरीफ फैमिली को अदालती मामला से भी आगाह कर दिया गया है। जराए का कहना है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे और अवामी राबता मुहिम के लिए भी वो मुख्तलिफ। साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, ये खबर तेजी से गर्दिश करिए। इसी पर तजिए के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफी मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सर ये बताएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, जरदारी साहब हों, मुशरफ हों या दीगर कोई भी और सियासी रहनुमा, जब भी उन पर मुश्किल आती है तो वो मुश्किल वक्त में बैरून मुल्क जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का इन हालात में वापस आना अपनी पार्टी के लिए कैसा है? और दूसरा, जैसे कि चौधरी निसार कहते हैं कि उनके मुशीर गलत हैं, तो मशवरे गलत मिल रहे थे उन्हें या फिर अब बसात पलट रही है या फिर मुशीरों ने अच्छे मशवरे देना शुरू कर दिए? आपने 15 सवाल कर लिए एक सवाल के अंदर। जी बिल्कुल। पहले सवाल सलाम का जवाब ले लेती हूँ। सर वालेकुम अस्सलाम। बाकी चीज ये है कि देखिए उन्होंने एक अहम फैसला किया है और मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला है, कई लिहाज से दुरुस्त फैसला है। एक तो आपकी आवाज में बहुत खड़खड़ाहट आ रही है। जी जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप बोलिए मजर साहब। देखिए एक तो जाहिर अहम फैसला है, बहुत सी सियासत आरइयां ऐसी हो रही थी कि शायद वो वापस ना आए। बहुत से लोग ये बात भी कह रहे थे कि जिस तरह 2001 में वो चले गए थे उसी तरीके से वो चले गए हैं। बहुत से लोग किसी ना किसी एनआरओ की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वापस आके ये बहरहाल मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए
एक उन्होंने हौसला दिया है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को। दूसरा जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुनों को उन्हें एक हौसला भी दिया है और साथ में उन्होंने जो उनके 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 तनकीद करने वाले थे, जो हवाले से बहुत सी बातें कर रहे थे, उनको भी एक तरीके से उन्होंने खामोश कराया है। अब अगले मरहले में वो मुकदमात का सामना किस तरह करेंगे, क्या वो उन मुकदमात को कानूनी अंदाज में लड़ेंगे या सियासी अंदाज में लड़ेंगे? बज़ाहिर लगता यह है कि जो उन्होंने, अगर ये बात दुरुस्त है कि वो खुद जो है इस मुकदमे को लड़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये कानूनी अंदाज में मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा बल्कि सियासी अंदाज में लड़ा जाएगा। जहाँ तक उनका मुख्तलिफ जमातों से राबते का ताल्लुक है, मुझे लगता नहीं है कि वो इसमें अपोजिशन को मनाने में कामयाब होंगे, खासतौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इलेक्शन का साल है ये और इलेक्शन के साल में नए इत्तेहाद बनते हैं, नई ठीक है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए, अभी हमें ज्वाइन किया है अली जैदी ने, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। अली जैदी साहब, पीटीआई की जानिब से काफी बातें भी की जा रही थी और काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था, अब नवाज शरीफ साहब ने वापसी का फैसला कर लिया है, पाकिस्तान में मौजूद है, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए जी, मैं बड़ा सिंपल एक बात करता हूँ कि कोई भी सोसाइटी को, कोई भी माशरे को फ्लरिश करने के लिए ना, आगे बढ़ने के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड लेनी चाहिए, माने कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब, राजदार, इन सब के ऊपर नैब के अब रेफरेंसेज आ गए हैं, तो जब नैब का रेफरेंस आता है किसी भी शख्स से पाकिस्तान में, तो उसके उसको पहले तो ECL पर डाला जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जहाज से उतरे हैं और इनको प्रेसिडेंशियल नहीं तो प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रोटोकॉल मिला है, सारा दुनिया का पुलिस एम ये सारा तमाशा लगा हुआ है, तो ये इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं शायद सिस्टम को या इंस्टीट्यूशंस को। असल में तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस मुल्क के, वो उनको तबाह किया गया है ना। अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते तो ये आप ये पूरी सुप्रीम कोर्ट का ये केस जाता ही नहीं वहां तक। इंस्टीट्यूशन भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी के अपने घर के दरबारी नौकर हर इंस्टीट्यूशन का हेड बना दिया है, जो इनका, जो कि पाकिस्तान का नहीं, कानून का नहीं, बल्कि इनका सबसर्वियंट होता है, लॉयलिस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स का, नॉट फॉर द स्टेट एंड नॉट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट फॉर द रूल ऑफ लॉ। जब इस तरह की सिस्टम होती है तो फिर आपको एक तमाशा देखने मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अली जैदी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त, वज़ीर साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी जानिब भी बढ़ना चाहेंगे। वज़ीर साहब, चौधरी निस्तार ने भी बड़ा वाजे कर दिया है कि इदारों से टकराव के वो खिलाफ है और ऐसा लगता है कि जैसे नून लीग के अंदर जो चौधरी निस्तार की हिमायती है वो भी अभी काफी मौजूद है, लेकिन अगर नवाज शरीफ मुजहमत का जहन बनाकर इदारों से टकराव की पॉलिसी बनाकर वतन वापस आ रहे हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसी सूरत हाल में जो है वो ये पार्टी के लिए आप नहीं समझते कि ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है कि वो किस तरह अपना मुकदमा पेश करते हैं। मुकदमात सियासी अंदाज में भी पेश किए जाते हैं और कानूनी अंदाज में भी, और जरूरी नहीं कि सियासी अंदाज में पेश किया जाने वाला मुकदमा तसादुम की राह हो जी। लेकिन अगर आपने आप जजेस को निशाना बनाएंगे, जजेस पे तनकीद करेंगे, तो फिर जाहिर है लोग ये कहने में हक बजाने होंगे कि आपने जो है जुडिशरी से तसादुम लिया है, या वो बराह रास्त अगर बगैर किसी सबूत के एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करेंगे तो जाहिर है यही बात की जाएगी। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई, वो मुकदमात जिस अंदाज में चलाए गए वो उनके साथ ज्यादती थी, तो वो एक सियासी अंदाज होता है, वो माजी में भी हमने देखा है, कि सियासी अंदाज में चीजें हुई हैं और शायद अब भी हो सकता है। लेकिन ये अब हम अगले चंद हफ्तों में देखेंगे कि जब नैब के रेफरेंसेस शुरू होंगे, नैब मुकदमात पेश करेंगे, आज देखते हैं इसहाक डार साहब जब पेश होंगे उनके साथ क्या होता है, या नवाज शरीफ साहब जब कल पेश होंगे, तो फिर वो किस अंदाज में अपने मुकदमे का आगाज करते हैं, अपने दिफा का आगाज करते हैं। संगीन इल्जाम हैं उन पर, उनको नाअहल करार दे दिया गया है जी, और ऐसे में वो वापस किस तरीके से आएंगे, वो महज पार्लियामेंट के जरिए कोई तरमीम करके नहीं आ सकते, उनको अपने आप को मुकदमात से बरी करवाना पड़ेगा इन चीजों में, जो बहुत मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है। अगर जो चीजें वो आज कर रहे हैं, वो अगर अपने तमाम साथियों के साथ मिलके शायद एक डेढ़ साल पहले कुछ फैसले करते सियासी अंदाज में, तो मेरा ख्याल है उनका केस ज्यादा मजबूत हो सकता था, लेकिन अब एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में आए हैं, लेकिन उनके पास चॉइस नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने वापस आकर और ये फैसला करके मुकदमात का सामना करेंगे,
उन्होंने एक वाज़े लकीर खींच दी है कि जो जमहूरी पसंद होते हैं या सिविलियंस होते हैं वो मुकदमात का सामना करते हैं और जो आमिर होते हैं वो मुकदमात का सामना नहीं करते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उन्होंने वाज़े अभी एक लकीर खींच दी है। अच्छा मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ पर मौजूद हैं, अली जैदी से बात करते हैं। अली जैदी साहब, डेफिनेटली साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से कई खबरें जो है वो रूमर आउट भी कर रही हैं। PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी कबल अज़ वक्त इलेक्शन होने चाहिए और कराने चाहिए, इस हवाले से कुछ जानना चाहेंगे, इस हवाले से बताइए। वो बिल्कुल ठीक डिमांड है, वो इसलिए डिमांड है कि जो अभी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं खाकान अब्बासी साहब, उनका तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि जी वजीर आजम तो नवाज शरीफ साथ ही हैं और ये इनके नारे भी लगाते रहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ। जब एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया वो अब, और वो अगर अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर आया वो अभी भी कह रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ ही है, तो फ्रेश मैंडेट लेके आए ना, क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी ना कि एनपीएम अगर नहीं अलग करती अपने आप को अल्ताफ हुसैन से और हम उनको भी कहते हैं कि आप फ्रेश मैंडेट लेके आए क्योंकि वोट तो उन्होंने उनके नाम पे लिया था, तो ये तो अगर अभी भी वहीं से लाइन टो हो रही है जो नवाज शरीफ की और इफ्तार जार की लाइन थी, दबा कर दिया पूरे मुल्क इकोनॉमी को, तो देन फ्रेश मैंडेट उनको लेना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, आप हमारे साथ थे। और PTI का मौकफ जो है इस हवाले से हमने जाना है और डेफिनेटली PTI जो है वो इस वक्त अपने इंतखाबात के हवाले से भी जारी है कि फ्री इलेक्शंस हो जाएं। मज़हर साहब भी हमारे साथ थे, मज़हर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली इस वक्त जो फ्री इलेक्शंस की बातचीत हो रही है ये सिर्फ PTI की जानब से ही हो रही है, जबकि बाकी तमाम तर जमातों की अगर हम बात करें चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो दूसरी पार्टीज हो, उनका यही कहना है कि जी हम लोग फ्री इलेक्शंस के हक में नहीं है और मेरा ख्याल है कि वक्त पर 2018 में ही जो है ये इलेक्शंस होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग यही बात करें कि प्री इलेक्शंस के हवाले से जो है वो किस तरीके से सूरत हाल बनती है। और अभी इस्लामाबाद आपको लिए चलते हैं जहां पर खुशी शेख इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कमेटी कायम की जाएगी, साथ साथ उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। बिल्कुल जनाब, लेकिन सिर्फ एजेंडे से सब कुछ नहीं चलता, यहाँ पे और भी बड़ी चीजें चाहिए होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वोट बैंक चाहिए होता है अपनी हुकूमत को चलाने के लिए। खैर जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद कुर्बान के बाद टमाटर की कीमतों को आग लग गई और कीमतों में डबल रेट उसके जो है उससे खरीदार भी काफी हद तक परेशान हो गए हैं और खरीदार तो मेरा ख्याल है टमाटर को देख के खुद भी लाल हो जा रहे हैं क्योंकि 200 से भी ज्यादा जो है उसकी हम देख रहे हैं कि कीमत बढ़ती चली जा रही है और कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं, कराची और लाहौर और पेशावर समेत कई शहरों में टमाटर की फी किलो कीमत 150 से 200 रुपए किलो हो गई है और कहीं तो कीमत इससे भी ज्यादा है। मुझे लगता था कि ईद बकराईद और इस तरह के तमाम इवेंट्स के ऊपर जो है वो कीमतें जो है वो राइज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आम दिनों में भी यही हालात हैं और आप देखें कि किस तरीके से कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हाजी शाहजहान ने, प्रेसिडेंट हैं ये फलाही कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि मुल्क भर में टमाटर नायाब हो गया है, आवाम की हालत ख़राब हो गई है, इस हवाले से क्या इंतज़ामिया कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है? हाजी साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरा ख्याल है कि उनसे अभी हमारा रहा नहीं हो पा रहा है, फिर से रहा बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी कल सारा दिन से मैं देख रही हूँ हर न्यूज चैनल के ऊपर यही खबर है कि टमाटर महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए। कहा ये भी जा रहा था कि जो फ्लड आया उसके बाद से ये सारी सूरत हाल हो गई। एनीवे एक बार फिर से हमने ज्वाइन किया है हाजी शाहजहां साहब ने। हाजी साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, हाजी साहब सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ शहरों से, सारे ही इन शहरों से जो है वो टमाटर की कीमत के हवाले से बातें आ रही है, एक तो टमाटर नायाब भी हो गया, दूसरे ये कि कीमतें बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ी है, क्या वजह है इसकी? हाँ बिल्कुल बजा फरमा रही हैं आप, पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो किल्लत है टमाटर की, जैसे प्याज की भी हो गई थी, तो हमारे मुल्क में जैसे अभी बताया आपने कि हुकूमतें जो है वो नहीं रहती, उनका पता नहीं होता, एकदम इंतकाम होता है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी हाजी साहब अब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी आप बोलिए, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए हाजी साहब। जी तो ऐसा ही है कि हमारे यहाँ पॉलिसियों का जो है अदम इस्तेकाम है, पिछले साल सस्ते थे टमाटर, प्याज सस्ती थी और लोगों ने काश्त भी किया, कुछ हिस्सा फसलें खराब हो गई, तो हमारे यहाँ ये हर साल ये रहता है, कभी 10 रुपए किलो टमाटर होते हैं और कभी 100 रुपए किलो, और अब के जो तो बहुत ही ज्यादा महंगाई हुई है, 150 रुपए किलो मार्केट में टमाटर जो है वो मिल रहा है और पूरे पाकिस्तान में ये 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो मार्केटों में होलसेल रेट में चल रहा है। अच्छा हाजी साहब जी बोलिए, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी आपकी आवाज हमें आ रही है, हम आपको सुन सकते हैं, आप बोलिए।
इसमें फसल कुछ खराब हुई है बलूचिस्तान की, और अभी इंशाल्लाह अगले महीने जो है अक्टूबर में खेत की फसल शुरू हो जाएगी, और तो केपीके में कोई शुरू हो जाएगी फसल, तो फिर उस वक्त जो है वो रेट जो है नॉर्मल हो सकेंगे। अभी फिलहाल तो कहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई रेट कम हो। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं कि फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि रेट्स कम हो, लेकिन हाजी साहब अगर बात की जाए ओवरऑल प्राइस लिस्ट के हवाले से, जो ऑफिशियल प्राइस लिस्ट है उस हवाले से भी बात करते हैं। हमें हाजी शाहजहां साहब ने ज्वाइन किया था, आपका बहुत शुक्रिया। अनम, अगर प्राइस लिस्ट की बात की जाए, कमिश्नर कराची के पास जो प्राइस लिस्ट है जो दी जाती है कि जी ये प्राइस लिस्ट है, इस पे आपने जो है वो सेल करना है टमाटर हो या जो भी सब्जी तरकारी जो भी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो सब्जी फरोश है वो ऐसा नहीं करते, चले जनाब वो अकॉर्डिंगली नहीं चलते, अब उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। इवन गिलगित की बात करें तो गिलगित वालों ने तो कह दिया कि